पूरी पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे। जी हाँ, जब से ये फिल्म बन रही थी और जब तक इसकी शूटिंग कंप्लीट हुई तब तक ये चर्चाओं में रही। अब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो भी चर्चाओं में क्यों बनी है फिल्म? आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के प्रोड्यूसर विजय चौहान ने हर हर गंगे को फ्लॉप फिल्म करा दिया। जी हाँ, फ्लॉप फिल्म इसलिए कि उनका ये कहना है कि 54 डेज बहुत होते हैं भोजपुरी फिल्म को बनाने के लिए और वहाँ फिल्म नहीं बन रही है। यानी हम हर हर गंगे की बात कर रहे हैं, हर हर गंगे के फिल्म बन नहीं रही है। यहाँ टाइम पास कर रहे हैं चंदन उपाध्याय जो डायरेक्टर है फिल्म के, और तो और ये कहा जा रहा है कि फिल्म के लिए बेवजह के बज क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको ये यहाँ ये बता दें, ये सब कुछ कहना है विजय चौहान जो कि खेसारी लाल यादव के फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। उनका ये कहना है, जो एक बार खेसारी के साथ काम कर लेता है वो दोबारा किसी और एक्टर के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, खेसारी के पास डेट नहीं है या उस स्क्रिप्ट में कोई भी अनदर एक्टर फिट होता है तो बात अलग है। यहाँ पे बहुत ही प्रेज किया है उन्होंने खेसारी लाल यादव को और बहुत सारी उंगलियाँ उठाई हैं पवन सिंह पर। तो पवन सिंह की तरफ से उनके डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जो कि हर हर गंगे के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में हर एक चीज़ का खुलासा किया कि क्यों फिल्म को 54 डेज लगे और क्यों ये भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म है। तो यहाँ चंदन उपाध्याय ने ये बताया है कि इस फिल्म में VFX का काम बहुत है और VFX के काम में 20 से 25 लाख रुपए लग गए हैं। नो डाउट, जब VFX में 20 से 25 लाख रुपए लगे हैं तो फिल्म का अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी महंगी होगी। ये पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर से भी महंगी है जिसे बनने में 4.5 करोड़ रुपए लगे थे। और आपको आगे ये बता देते हैं कि इस फिल्म के अभी 6 दिन की शूटिंग बाकी है, ऐसा कहना है चंदन उपाध्याय जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिसमें से एक गाना नेपाल में, एक गाना हरिद्वार में और क्लाइमेक्स और इंट्रोड्यूस जो शॉट होता है वो सब कुछ मुंबई में शूट किया जाएगा और इसके लिए एक स्पेशल DOP और कैमरा का भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो ये सारी बातें क्लियर की है यहाँ चंदन उपाध्याय ने और ये कहा है कि इस तरह की ओछी बातें ना करें लोग, जिस फिल्म के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, जिस फिल्म के बारे में लोग देखे नहीं है उसे इस तरह से कैसे फ्लॉप करार दे सकते हैं। यहाँ चंदन उपाध्याय ने कहा कि विजय चौहान की किसी फिल्म के बारे में मैंने कभी कुछ ना कहा है, तो इसलिए वो मेरी फिल्म के बारे में कुछ ना कहें तो ही बेहतर होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको कितना इंतज़ार है पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे का, हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी करके ज़रूर बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना